अस्सलामुअलैकुम आई यू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की दुआएं हैं। और जनाब, आपको चिड़ियों की आवाज़ें आ रही होंगी। सुबह सुबह का टाइम है और ये वीडियो मैं बना रही थी असर के टाइम, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दूध जामे शीरी, क्योंकि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि इस टाइम हम चाय बनाते थे, अब चाय वाय सब छूट चुकी है और मैंने बनाई है दूध जमशीरी और साथ दो तीन मैंगो काटे हैं। इस टाइम इतनी भूख लगती है क्योंकि दोपहर को खाना बिल्कुल खाने को दिल नहीं करता, ना नाश्ता करने को दिल करता है, तो फिर मैंने साथ काटे आम और दूध जमशीरी बनाई है ताकि इससे थोड़ी पेट पूजा की जाए, ताकि थोड़ी एनर्जी आए जिस्म में। और बस वही हो रहा है। और आप लोग सुनाओ कि भाई क्या हालात हैं गर्मी के? इस दफ़ा तो लगता है गर्मी अपने पूरे रिकॉर्ड तोड़ेगी। बस अल्लाह करे कि बकरा ईद जब आए ना तब ठंड हो जाए। सुना है कि बारिशें स्टार्ट होंगी इंशाअल्लाह ताला, तो अल्लाह खैर करेगा, गर्म करेगा। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करो, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, और लाइक शेयर ज़रूर किया करो। तो मैंने कहा आज आपके साथ छोटी मोटी अपनी जो घर के काम तो नहीं कहते, बस छोटी मोटी एक्टिविटी शेयर कर लूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबे चौड़े काम मुझसे हो नहीं रहे, गर्मी इतनी है। 5 बजे का टाइम है और देखें जी सारा सन्नाटा ही सन्नाटा है गली में, और शदीद किस्म की गर्मी। परिंदे बेचारे छांव ढूंढ रहे हैं, और हमारी जो क्यारी है बिल्कुल खुश्क हुई पड़ी होती है, तो इस टाइम हम बाहर निकलते हैं और कड़ाके की गर्मी है। इस टाइम अपनी क्यारी को पानी लगाते हैं, और परिंदे गली में भी पानी डालते हैं ना, तो परिंदे बेचारे नहाते भी हैं और पानी पीते भी हैं। वैसे तो हमने अपने घर में हर चीज़ रखी हुई है, पानी वगैरह, और यहाँ पे हमने डोगी का पानी भी रखा हुआ है, ये देखें। और यहाँ पे हमारी तोरियाँ भी लगी हुई हैं। अभी हमारा लग रहा है क्यारी को पानी। मैं आपको दिखाती हूँ बैंगन, ये देखिए जी, ये बैंगन देखें, ये एक और बैंगन, और ये देखिए जी मिर्चों से ये वाली भरी हुई है। ये छोटी छोटी मिर्चें हैं, लेकिन ये देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह। और ये है न्याज बो, इसको कहते हैं न्याज बो। और ये देखिए कच्चे टमाटर, तब रेड नहीं हुए अभी, और बैंगन तो बहुत हुए हैं। एक दफ़ा मैंने बनाया इसके पकोड़े, और अब इंशाल्लाह ताला अपनी गली मोहल्ले वालों को देंगे, जैसे वो हमारे घर चीज़ें भेजते हैं। तो ये जी मेरा है नींबू का पौधा, ये मैंने खुद लगाया था, मतलब खुद ये के बीज से खुद लगाया था मैंने। तो देखते हैं कि कहते हैं कि खुद बीज से लगाओ तो वो फल नहीं उठाता, तो ये अब इतना तो हो गया, अब देखते हैं कि वाकई ये फल नहीं उठाता या उठाएगा। अगर किसी को नॉलेज हो तो मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। ये देखिए जी कितने मज़े की ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, और इस पानी से जो नहाने का मज़ा है ना वो अपना ही है। और आज मैंने अपने बच्चों को ना इसी पानी के नीचे देना है, और आज हम शक्ल मेला थोड़ा लगाएंगे अपने बच्चों के साथ। ये देखिए जी माशाल्लाह हमारी बेल, और इतने इसके ऊपर अभी भी बहुत ज़्यादा गुच्छे खड़े हुए हैं, कल हमने उतारे हैं, वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिए, आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक शेयर करें। ये भी ठंडा ठंडा पानी लग रहा है हमारी तोरियों को, और ये डोगियों वाला और घरों वाला भर गया ना।